हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अमेरिका के चिल्ड्रंस पार्क दिखाने। तो आ जाइए, आप भी चलिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। तो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अमेरिका के चिल्ड्रंस पार्क। तो आप सामने जो देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की शेड बनी हुई है, यही है वो एरिया जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो अभी मैं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स वगैरह होती हैं, कैसे स्विंग्स होते हैं। और मैं आपको एक पूरा व्यू भी दे देती हूँ इस पार्क का। तो देख सकते हैं, बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और घास वगैरह की जो कटिंग है वो भी यहाँ पे टाइम से होती रहती है। पीछे जो आप ये नेट देख रहे हैं, ये चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड है, बच्चे यहाँ पे खेला करते हैं। ये पार्किंग लॉट है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ इसके पास। और सामने जो बकेट्स वगैरह देख रहे हैं आप, जो फाउंटेन्स देख रहे हैं, उसका जो सिस्टम है कैसे चलते हैं वो भी मैं आपको भी जाके दिखाऊंगी। देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो बकेट्स लगी हैं इनके अंदर पानी, आप देख रहे हैं जो टैप लगे इनके अंदर पानी भर जाता है और फिर बच्चे इसके नीचे खड़े होके नहा सकते हैं। तो इसका जो सिस्टम है वो यहाँ से है, ये इसके बटन्स हैं, ये यहाँ पे पोल लगा हुआ है और बस आप इन बटन्स को ऑन कीजिए। तो मैं अभी ऑन करती हूँ और ये देखिए जो फाउंटेन्स है वो स्टार्ट हो गए हैं। और गाइज, आप देख रहे हैं जो बच्चा खेल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों के हिसाब से जो ये आप नीचे फ्लोर देख रहे हैं वो बनाया जाता है। तो ये जो फ्लोर होता है ये रबड़ का बना होता है, इस वजह से यहाँ पे ये बनाया जाता है ताकि बच्चे अगर गिर भी जाए तो उनके चोट ना लगे। तो यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। और बिकॉज ऑफ कोविड अभी यहाँ पे ज़्यादा बच्चे आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, अदरवाइज गर्मियों के टाइम पे यहाँ आपको ज़्यादातर बच्चे खेलते हुए और यहाँ बाल्टियों के नीचे नहाते हुए दिख जाएंगे। ये हमारी बेबी यहाँ पे झूल रही है, स्विंग्स लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं कितने सेफ है यहाँ पे। तो छोटे बच्चे भी आपके जो है वो आराम से इसमें खेल सकते हैं और गिरने का भी डर नहीं है। और ये आप देख रहे हैं सामने स्लाइड्स भी लगी हुई है, ऊपर शेड भी लगा रखा है धूप वगैरह से बचने के लिए। और ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से है ये झूला। तो आप किसी भी तरफ से अपने बेबी को बिठा सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पैर निकालने की जगह है। और ये देखिए हमारी बेबी एंजॉय कर रही है। ओके गाइस, दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।